दोस्तों निफ्टी ने आज हम देखते हैं कि 238 पॉइंट्स माइनस में जाके 1% डाउन में जाके क्लोज दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां बताना ये चाहता हूं, अगर आपने मेरा कल निफ्टी एनालिसिस का वीडियो देखा था, कल मैंने बहुत क्लियर कहा था कि निफ्टी इज रेडी फॉर बिग मूव। क्या आपने वीडियो देखा था? यस के नो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपका आंसर नो है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां पे जो कंटेंट आपके लिए शेयर किया जाता है विच इज वेरी वेरी पावरफुल। एक क्लियर लेवल दिया था मैंने, जो यहाँ पे इवन मेरे चार्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, मैंने बहुत क्लियर कहा था कि पिछले 4 दिनों का लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ रहा था, 21,915, 21,916। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो बहुत बड़ा बैरिश मूव आ सकता है। आई क्लियरली सेड दैट एंड एग्जैक्टली वही हुआ। आज जैसे 21,915 का लेवल ब्रेक हुआ और एक बड़ा सा बैरिश मूव आया और इसने 817 तक मार्केट को लेके गया। और अब हम प्लानिंग करेंगे कल की, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, राइट। और एक और बार मैं आपसे आगे बढ़ू उससे पहले पूछना चाहता हूँ, कल का वीडियो आपने देखा था क्या, जब मैंने क्लियरली ये लेवल बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया देयर विल बी अ बिग फॉल। और एक्चुअली आज यही लेवल से मैंने खुद ने भी 7,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। हालांकि 2 ट्रेड थे, एक में 7,500 का लॉस था, एक में 6,700 का प्रॉफिट हुआ ये बेरिश वाले से। अल्टीमेटली 700 रुपए के लॉस में क्लोज आया, बट ये लेवल ने मुझे बहुत हेल्प किया है। देखा है तो यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। चलिए कल की प्रिपरेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 आज का हाई, तो आज जो हाई बनाया माय डियर इट इज 21,978, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये लेवल तो हमारा ही है और इसको ना अभी वापस से मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ। ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए मैंने वहां पे ना रेड लाइन रखा हुआ था। आज का क्लोज जहां पे आया वो 21,817 और लो बनाया 793। तो मैं सिर्फ लो को मार्क कर लेता हूँ, क्लोज को अलग से मार्क नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि क्लोज और लो के बीच सिर्फ 20 पॉइंट का 24 पॉइंट का फर्क है, तो वी कैन इग्नोर दैट, राइट। अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और प्लान करेंगे कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है। नंबर 1 थिंग, अब हमारा डायरेक्शन बहुत क्लियर है, वो है बेरिश। जब मैं बता रहा हूं कि डायरेक्शन इज वेरी क्लियर एंड दैट इज बेरिश, इसका मतलब ये है कि या तो आपको बुलिश ट्रेड लेना नहीं चाहिए, और अगर आप इंट्राडे बेसिस में कोई बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो, आप स्कैल्पर हो, लीजिए, मगर क्वांटिटी 1/10 या 1/5 कर देना। अब मार्केट में हमें बेरिशनेस दिख सकती है जो मार्केट को शायद 21,600 तक भी लेके जा सकती है। मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। चलिए ये बात क्लियर रखना कि डेली चार्ट में अब जो है वो निफ्टी बेरिश बन चुका है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा यहाँ पे बन रहा है और वो लेवल कहीं ना कहीं बन रहा है 21,527 का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के गली आ जाएगा, बट यस कल वेनसडे है और परसों थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी, ये 2 दिनों के अंदर शायद अगर बेरिशनेस रहा तो ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए आर्ली चार्ट में आ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम तो प्लानिंग दोनों तरफ करेंगे क्योंकि हम हमेशा मानते हैं मार्केट इज सुप्रीम, राइट। मैंने कह दिया कि यार एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज सुप्रीम। आपको हम जब प्रिपरेशन करेंगे, हम जब लेवल ड्रॉ करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लेवल्स प्लान करेंगे, बिकॉज वी बिलीव मार्केट इज सुप्रीम। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के कंफर्म कर दें प्लीज। वीडियो पोस्ट करके आपको एक कंपलसरी टाइप करना है, मार्केट इज सुप्रीम। मैं टाइप इसके लिए करवा रहा हूं ताकि जब वीडियो पोस्ट करके आप टाइप करोगे तो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और आप कभी रिजिड नहीं हो जाओगे। अगर कल मार्केट समझो कोई बड़ा गैप अप हो गया, कोई न्यूज आ गया और अभी ये फेड की मीटिंग वगैरह सब चल ही रहा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज सुप्रीम। ये बुलिश जा सकता है, टाइप आउट प्लीज मार्केट इज सुप्रीम। चलिए अगर आज के क्लोज से ऊपर की तरफ आता है मार्केट तो पहला लेवल हम यहाँ पे एक 873 के आसपास का लेवल जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर 873 निकल जाता है तो आज का जो जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने पहले बताया था जो रेड लाइन में 916, उसके बाद आज का हाई बनेगा 979। तो ये लेवल्स गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे आज ही एक गैप क्रिएट हुआ है और वो गैप क्रिएट हुआ है 22,037 के आसपास।
तो ये लेवल को हम प्लान करेंगे 250 पॉइंट का, यू नो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने प्रोविजन करके रखा है। और अगर 22,037 ब्रेक हो जाता है तो 22,125 जो एक बार के लिए हाई भी था, लाइफ टाइम हाई, उसके ऊपर हम हमारी नजरें रखेंगे। अब जहां तक के नीचे के लेवल्स का सवाल है, हमें थोड़े बैक जाना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा। देखिए, अगर आज का हाई 793 ब्रेक करता है तो पहला लेवल जहां पे आएगा वो हो जाएगा 7,021,728। उसके बाद एक लेवल यहाँ पे भी दिख रहा है, बट अगर उसको इग्नोर करना है तो आप 633 को ध्यान में रख सकते हो। 633 विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल। और माय डियर, अगर 633 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे एक माइनर सा लेवल बन रहा है, विच इज यू नो 585। और उसके बाद हम 527 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो निफ्टी में ये मेरी प्रिपरेशन है, बेरिश व्यू है, बट आज का लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है कि मार्केट ऑसिलेट करता रहे, दोनों तरफ आप कैसे लेट करता रहे, तो वहां पे आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। बट अगर एक बार आज का लो ब्रेक हो गया और उसके नीचे 5 मिनट सर्वाइव कर गया, फिर आप बुलिश ट्रेड के बारे में मत सोचना। फिर कहां पे बैरिश एंट्री ले वो सोचना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए वहां पे बैरिश एंट्री लेना, डेफिनेटली यू विल मेक गुड मनी। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए कि कंटेंट कैसा लग रहा है, और मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।